हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पिंकी सिवाच। टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर 2 ऑफ 9th स्टैंडर्ड CBSE। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर, इन ए डेमोक्रेसी रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा, या फिर लास्ट की जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उसमें हम भी पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी जो है, प्रजातंत्र जो है, उसमें रूलर्स जो होते हैं या गवर्नमेंट जो होती है, वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते। देर आर सर्टेन बेसिक रूल दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। कुछ बेसिक रूल होते हैं जो सिटीजन को, हम नागरिकों को और सरकार को भी फॉलो करने पड़ते हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे रूल्स जो होते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? संविधान। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और संविधान की एक खास बात ये भी होती है कि वो देश का सबसे सर्वोच्च कानून माना जाता है, और ये सुनिश्चित करता है कि उस देश में रहने वाले नागरिकों के राइट्स क्या होंगे, उनके क्या क्या अधिकार होंगे। जैसे कि आपको पता है कि वी हैव गॉट द 6 फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। सरकार की क्या ताकत है, सरकार को क्या करना है, उसके पावर्स क्या हैं, उसके फंक्शन क्या है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? हमारा संविधान। इन दिस चैप्टर वी आस्क, ये चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी, कि किसी भी देश का, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो संवैधानिक ढांचा होता है या संवैधानिक बनावट होती है, वो कैसी होनी चाहिए। वाई डू वी, हमको क्यों संविधान चाहिए, संविधान कैसे बनाया जाता है, उसको डिज़ाइन करने वाले कौन होते हैं, एंड वाई और वो क्यों बनाया जाता है। वट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक स्टेट्स। कौन से मूल्यों को रखा जाता है किसी भी संविधानिक देश के, किसी भी प्रजातांत्रिक देश के संविधान में। वंस ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार अगर ये संविधान बना दिया गया, कैन वी मेक, क्या हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन, जैसे जैसे समय बदलता है लोगों की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती हैं। तो एक बार अगर ये संविधान बन गया, जैसे हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और हमारे लीडर्स ने जब ये संविधान बना दिया, उस समय जो बनाया गया था, क्या उस 70 सालों में उसके अंदर क्या कोई चेंजेस नहीं है? नहीं, उसमें हर बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वो जो चेंजेस होते हैं बदलते हुए समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसको कहते हैं अमेंडमेंट। अभी हाल ही में जनवरी 2020 में भी अभी अमेंडमेंट लास्ट टाइम किया गया था। Once recent instances of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. अभी हाल ही में कुछ सालों पहले ही साउथ अफ्रीका में 1994 में नया संविधान बना था, डेमोक्रेटिक कंट्री साउथ अफ्रीका का। हम ये चैप्टर की शुरुआत इसी से करेंगे कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, एंड वेंट अबाउट द टास्क ऑफ डिज़ाइनिंग, और उन लोगों ने उस ये जो संविधान बनाया उसको किस तरीके से बनाया। उसके बाद हम हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाया गया, एंड व्हाट इट्स फंडामेंटल वैल्यूज़ आर, और इसके मूलभूत इसकी बेसिक फाउंडेशन वैल्यूज़ क्या हैं। हाउ इट प्रोवाइड ए गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन लाइफ। हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी रूटीन की जो लाइफ है, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से ये संविधान के द्वारा अफेक्टेड होती हैं। सो नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, हेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की एक स्टोरी दी गई है, यहाँ से हम ये चैप्टर को शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक साउथ अफ्रीका के जो लीडर थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने एक स्पीच दी हुई है, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है। आई हैव फोट अगेंस्ट, इसमें ये क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि मैं वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ा हूँ और मैं ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ा हूँ, लेकिन मैंने एक डेमोक्रेटिक और एक फ्री सोसाइटी के आइडिया को चेरिश किया है, जिसमें सभी देश के नागरिक शांति से, हारमनी से रहें, जिसमें सभी नागरिकों को, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीना चाहूँगा, जिसके लिए मैं उम्मीद रखता हूँ। बट इफ़ नीड्स बी, इट एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। लेकिन ये एक ऐसा आइडिया है जिसके लिए भी मैं मरने को भी तैयार हूँ। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट जस्ट अबव दिस फर्स्ट पैराग्राफ, वट आर द वैल्यूज दैट वी
get to learn from the life of Nelson Mandela. I hope you would be understanding what I am trying to say, कि हमको नेल्सन मंडेला के जीवन से क्या सीख मिलती है. सो यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर बुक. वॉट दिस वॉज नेल्सन मंडेला. ये सारे जो स्पीच का एक्सट्रैक्ट था ये नेल्सन मंडेला ने बोला था. बींग ट्राइड फॉर ट्रीजन. ट्राइड का मतलब होता है मुकदमा चलाया जाना. ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह. साउथ अफ्रीका बाय द, और किन्होंने चलाया था ये, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोगों की सरकार थी वाइट लोगों की, उन्होंने ये मुकदमा उनके खिलाफ चलाया था. ही एंड सेवन अदर लीडर्स वर सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट इन 1964. उनको और उनके साथ दूसरे साथियों को 1964 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाएगी. और अपोज द, लेकिन उनको किस बात के लिए ये सज़ा मिली. He was daring to oppose the apartheid regime in his country. उन्होंने उनके देश में जो apartheid system, जो apartheid जो system चलाया जा रहा था उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई. अब ये apartheid system क्या होता है, किन्हीं देशों में कुछ नागरिकों को उनके स्किन कलर के आधार पर उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और सिग्रेशन पॉलिसी चलाई जाती हैं उसको अपार्टेड सिस्टम कहते हैं. ही स्पेंड अगले उनके जीवन के 28 सालों तक उनको साउथ अफ्रीका के सबसे भयंकर जेल में रखा गया था, रॉबन आइलैंड में जो जेल है. उसके बाद स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड. अपार्थिड वॉज द नेम. हेयर यू आर गोइंग टू राइट वट डू यू मीन बाई अपार्थिड सिस्टम. अपार्थिड वॉज द नेम ऑफ ए सिस्टम. एक रेशियल नस्ल भेदभाव का एक जो सिस्टम होता है उसका नाम होता है अपार्थिड, जो कि साउथ अफ्रीका में अपनाया गया था. द वाइट यूरोपियन इम्पोज द सिस्टम. वाइट लोग जो यूरोपियन पावर्स थी जिन्होंने बहुत सारे देशों को अपनी कॉलोनाइज बना रखा था, जैसे कि इंडिया को बनाया हुआ था, वैसे ही वाइट यूरोपियन पावर्स जो थी वो साउथ अफ्रीका में रूल कर रही थी और उन्होंने ये सिस्टम को वहाँ पर लागू किया था. ड्यूरिंग द 17th and 18th century, 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज आई थी यूरोप में. उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया विद आर्म्स फोर्स एंड इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया. जैसे कि उन्होंने भारत को ऑक्यूपाई किया था वैसे ही, लेकिन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा वाइट्स जो थे जब भारत आज़ाद हो गया था तो वो यहाँ से चले गए थे. बट वहाँ पर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे वाइट जो लोग थे वो सेटल होकर रहने लगे एंड बिकेम द लोकल रूलर्स, और वो वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए. द सिस्टम ऑफ अपार्थिड डिवाइडेड द पीपल. ये जो अपार्थिड सिस्टम था ये लोगों को डिवाइड करता है, उनको एक लेबल देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, उनके स्किन के कलर के आधार पर. नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनकी स्किन का कलर ब्लैक है. दे मेड अप अबाउट, और वो वहाँ की जनसंख्या का 3/4 और टोटल पॉपुलेशन जो है, एंड दे मेड अप अबाउट 3/4 पॉपुलेशन एंड देर वर कॉल्ड ब्लैक. और इस 3/4 पॉपुलेशन को क्या कहा जाता था जो वहाँ के नेटिव थे, ब्लैक्स. बिसाइड दीज टू ग्रुप्स, एक तो हो गया वाइट जो वहाँ पर रूल कर रहे थे यूरोपियन पावर्स, दूसरे वहाँ के नेटिव लोग जो ब्लैक थे. इसके अलावा जो लोग जिसको मिक्स रेसेस कहा जाता है, दे वर कॉल्ड कलर्ड, उनको कलर्ड कहा, जैसे कि भारत से जो बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर वहाँ रहते थे. तो वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर. वाइट जो रूलर थे वो इन सभी लोगों को इन्फीरियर यानी कि कमतर मानते थे. नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट्स, और ये जो नॉन वाइट्स थे इन लोगों के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे. एंड दे इफ दे हैड ए परमिट ट्रेन दे कुड वर्क. ये वाइट एरिया में तभी काम कर सकते थे अगर उनके पास परमिट होता था. ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बिल्कुल अलग होती थी. नेक्स्ट पेज, पब्लिक टॉयलेट्स ऑल वर सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड द ब्लैक्स. ये सभी चीज़ें वाइट और ब्लैक लोगों के लिए अलग अलग होती थी. दिस वॉज कॉल्ड सिग्रेशन. हेयर यू आर गोइंग टू राइट वन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द अपार्थिड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका, और यू कैन से डिस्क्राइब अबाउट द सिग्रेशन पॉलिसी अडॉप्टेड बाई द वाइट
रूलर्स इन साउथ अफ्रीका, दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज। और ये जो ब्लैक लोग थे ये वहाँ के चर्च में जहाँ पर वाइट लोग वर्षा पूजा करते थे वहाँ पर ये लोग विजिट नहीं कर सकते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, ये अपने संगठन नहीं बना सकते थे। एंड और प्रोटेस्ट अगेन टेरिबल ट्रीटमेंट, और उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था उसके साथ उसके खिलाफ वो लोग आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फोट अगेंस्ट द अपार्थिड सिस्टम। 1950 से ये जो वहाँ के जो ब्लैक लोग थे और जो कलर्ड लोग थे जो इंडियंस थे उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। दे लॉन्च प्रोटेस्ट, उन्होंने बड़े बड़े प्रोटेस्ट मार्चेस निकाले, स्ट्राइक्स की, हड़तालें चलाई। एंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, दैट इज़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दिस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बड़ा संगठन था जिसके साथ मिलकर ये सारी दूसरी पार्टियाँ जो थी छोटी छोटी वो अपनी प्रोटेस्ट लड़ाई को जारी रख रही थी। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियंस, इसमें बहुत सारे वर्कर्स की यूनियन भी शामिल थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे वाइट्स लोग जो इस बात को समझते थे कि उनके जो वाइट रूलर्स हैं वो दूसरे लोग वहाँ के नेटिव लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने भी स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सेवरल कंट्रीज़ डिनाउंस, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस अपार्टाइड सिस्टम को अनजस्ट बताया, अन्यायपूर्ण बताया और रेसिस्ट बताया। बट द ओल्ड एशियस गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाय डिटेनिंग टॉर्चरिंग, लेकिन इसके सब के बावजूद भी वहाँ की जो नस्लभेदी सरकार थी उन्होंने अपने रूल को जारी रखा, लोगों को डिटेन करती थी, नज़रबंद करती थी, टॉर्चर करती थी और बड़ी मात्रा में हज़ारों की मात्रा में कलर्ड लोगों को या ब्लैक लोगों को मार दिया जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, सो हेयर एट राइट अबव दिस पैराग्राफ यू आर गोइंग टू राइट अनदर क्वेश्चन, हाउ द अपार्टहाइड सिस्टम केम टू एन एंड इन साउथ अफ्रीका। आई एम गोइंग टू रिपीट, हाउ द अपार्टहाइड सिस्टम केम टू एन एंड इन साउथ अफ्रीका। टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्टहाइड हैड इंक्रीज। अब जिस तरीके से ये लगातार ये स्ट्रगल अपार्टहाइड सिस्टम के खिलाफ जारी रहा, द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज, गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई थी कि अब वो ज़्यादा समय तक ब्लैक लोगों को अपने अन्यायपूर्ण रूल के नीचे दबा नहीं सकते। एंड वाइट रेजिमे चेंजेस इट्स पॉलिसीज, जो वाइट लोगों का जो डोमिनेशन उनका जो राज था उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना शुरू किया। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जो भेदभावपूर्ण जो उनके कानून थे उनको दोबारा से लिखा गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो बैन लगाया गया था, रिस्ट्रिक्शंस थी मीडिया के ऊपर, उनको हटा लिया गया। 28 साल की लंबी जेल में कारावास के बाद जो नेल्सन मंडेला थे वो एक फ्री मैन के तौर पर बाहर निकले। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, ठीक 26 अप्रैल 1994 को वो बाहर निकले उन आधी रात के समय जेल से। द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफ्लर्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और उसी समय साउथ अफ्रीका को एक नए प्रजातांत्रिक देश के तौर पर उसके झंडे को, उस रिपब्लिक को फहराया गया। द अपार्टहाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, यहाँ पर अपार्टहाइड गवर्नमेंट जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया, पाविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और यहीं से रास्ता निकला वहाँ की मल्टी रेशियल गवर्नमेंट।